हेलो दोस्तों, आज हम लौकी की मिठौरी देने वाली हूँ। ये देखिए, हमारा दाल रात भर के लिए हमने भिगो दिया था, उड़द धुली हुई है, ये अच्छा सा दाल भीग भी गया है। 3-4 गिलास पानी से अच्छा सा धो लेंगे हम। धोने के बाद इसको हम मिक्सी जार में पीसेंगे। ये देखिए, इसको हम साइड में रख देते हैं, उड़द वाला दाल लौकी मिला करके हमने मिठौरी बनाएंगे। ये हमने चना के दाल भी भिगो दिया था रात भर के लिए, ये भी भीग गया था। देखिए, ये देखिए बहुत अच्छा भीगा हुआ है। इसको भी मिला देंगे थोड़ा सा, आधा आधा किलो के करीब है ये चना की दाल। इसको भी 3-4 गिलास पानी से हमने अच्छा सा धो लेंगे, तब आपको दिख। ये देखिए, हमने दाल धो लिया है उड़द के। अब इसको हम मिक्सी जार में पीसेंगे, महीन एकदम पीसेंगे इसको। देखिए, हमने दाल डाल दिया इसमें। छोटे गिलास से हम 1 गिलास पानी डालेंगे। ये देखिए, हमारा दाल पिस गया अच्छा सा। अब इसको हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह सब दाल हमने पीस लेंगे, उड़द चना। ये हमने उड़द का दाल पीस लिया है। अब हमने ये चना की दाल पीसेंगे। ये देखिए, देख रही है, हमने दाल डाल दिया मिक्सी जार में। अब इसको हम 1 गिलास पानी डालेंगे इसमें। अब इसको हम पीसेंगे। ये देखिए, हमारा दाल पीस गया है चना के। अब इसको हम इस बड़े बर्तन इसे साइड हम निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने 2 दाल पीस के रेडी कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। अब लौकी हम कसेंगे कद्दूकस में। ये हमने सब ऐसे ही कस करके हम बाद में दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमारे पास एक लौकी था। आज हम लौकी के मिठौरी बनाने वाली हूँ, दाल में उड़द के और चना के दाल मिला करके। तो हमने इसको छील लिया था और फिर धो डाला था इसको पानी से। अब हम छोटे पीस में कट कर लिया है, कद्दूकस में कसते बने। इसको हम चलते हैं कद्दूकस में कसने। ये देखिए, कद्दूकस है, इसमें हम कसेंगे, लच्छा लच्छा निकालेंगे। खबाज भी बनता है। आज हम लौकी की मिठौरी बनाने जा रहे हैं, दिखाएंगे कैसा बन रहा है। ये देखिए, इसे हम कस लेंगे, लच्छा के लच्छा निकाल लेंगे। और ये जो छोटा पीस है, इसको हम साइड में रख देंगे। ये दाल हमने फेंट लिया है 10 मिनट में। अब इसको देखते हैं थोड़ा पानी में डाल करके। ये देखिए, अच्छा सा फिट गया है। इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको डालेंगे लौकी। इसमें हम 1 चम्मच हींग डालेंगे, 1 चम्मच और डालेंगे हींग, 1 चम्मच कूटा मिर्चा डालेंगे। ये करेला मसाला है, इसमें सौंफ है, धनिया भुजी, इसको डाल देंगे। काली मिर्च हमने डालेंगे कुटी हुई। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, इसको अच्छा से मिला लेंगे। साल भर के लिए स्टोर करके रख देंगे। ये देखिए, हमने सब इसमें मसाला मिला लिया है, हमारा यह हो गया। अब इसको पोहड़ौरी देने के लिए तैयार होगा। देखिए, हमने लंबे लंबे 2 ठई लगा दिया है। अब इस पर हम क्या करेंगे, सिंदूर लगाएंगे। ये टीका कर दिया इसमें। अब हमने ये कोड़ौरी देंगे।
ये देखिए इस साइज में कढ़ौरी देंगे। इसी तरह हमने सब बना लेंगे। ये देखिए हमने कढ़ौरी दे लिया है छठे पर। अब हमारा कढ़ौरी दे गया, जब सूख जाएगा तब हम आपको, ये देखिए हमारे कढ़ौरी दे लिया छत पे, बहुत धूप है हमारे सारे तो इसीलिए इसमें सूख जाएगा। अब ये सूखने के बाद हम आपको दिखाएंगे कढ़ौरी कैसे बनी हुई है।